स्टोरी विद अरुण सुन रहे आप तमाम श्रोता सबका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय श्रोता नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं यूट्यूब का स्टोरी विद अरुण चैनल और मैं हूं आप सभी का हर पल का आरजी दोस्त अरुण गिरी। उपस्थित हूं सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री नॉवेल कत्ल की साजिश इसी उपन्यास की 5वीं एपिसोड के साथ। अगर इससे पहले आप लोग इस नॉवेल के प्रीवियस एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इस उपन्यास के पिछले एपिसोड को सुन सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर नहीं करते और स्टोरी विद अरुण पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री नॉवेल कत्ल की साजिश। सुनिए इसी उपन्यास की 5वीं एपिसोड आरजे अरुण के साथ। आगे खानपुर के सिग्नल से यू टर्न लेकर टैक्सी वापिस बदरपुर की दिशा में दौड़ने लगी। शीला बदस्तूर टैक्सी के पीछे लगी रही। मैं शीला के पीछे कुछ यूं बैठा हुआ था कि अगर गायकवाड़ पीछे घूमकर देख भी लेता तो उसे मेरी सूरत हरगिज नहीं दिखाई देती। एमबी रोड पर दौड़ती टैक्सी ने ओखला मोड से लेफ्ट टर्न लिया और इस आई हॉस्पिटल क्रॉस करके राइट टर्न लेकर तेखंड गांव में दाखिल हुई और प्राइमरी स्कूल के सामने जाकर खड़ी हो गई। गायकवाड़ टैक्सी से नीचे उतरकर एक गली में दाखिल हुआ और थोड़ा आगे जाते ही दाएं मुड़कर हमारी निगाहों से ओझल हो गया। मैंने शीला को टोका तो उसने तत्काल स्कूटर को गाड़ी के गली के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां से हमारी निगाहों से ओझल हो गया था। वो हमें एक चार मंजिला इमारत में घुसता दिखाई दिया। आगे उसका मुकाम कहाँ था ये जानने का कोई तरीका मैं सोच ही रहा था कि तभी गायकवाड़ ने खुद हमारी मुश्किल आसान कर दी और दूसरी मंजिल पर एक दरवाजे के सामने खड़ा दिखाई दिया। हमारे देखते ही देखते दरवाज़ा खुला। यूँ खुले दरवाजे पर एक मरियल सा नौजवान प्रकट हुआ। गायकवाड़ ने कुछ क्षण से बातचीत की, फिर नौजवान ने उसे कमरे के भीतर बुला लिया और दरवाज़ा बंद हो गया। हम इंतज़ार करने लगे। 5 मिनट बाद दोबारा दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकला। फिर कुछ क्षण बाद वो इमारत से बाहर निकला तो हम एक दुकान की ओट में हो गए। इस बार जब गायकवाड़ हमारे सामने से गुजरा तो मुझे उसके चेहरे पर गहन उत्कंठा के भाव दिखाई दिए। एक दूसरी जो अहम बात मैंने नोट की वो ये थी कि उसके कोट का एक हिस्सा नीचे को खींचा हुआ था और उधर की जेब फूली हुई थी जिसमें यकीनन कोई वजनी चीज़ थी। वो चीज़ कुछ भी हो सकती थी मगर मेरा मन कह रहा था उस घड़ी गायकवाड़ की कोट के जेब में कोई हथियार मौजूद था जो उसने अभी अभी हासिल किया था, क्योंकि रेस्टोरेंट के बाहर जब मैंने उसे देखा था तो उसकी जेब फूली और खिंची हुई नहीं थी। यानी गायकवाड़ को हथियार उस युवक ने मुहैया कराया था जिससे कि वो अभी अभी मिलकर आ रहा था, मगर ये बात मेरी समझ से परे थी कि उसे अचानक हथियार की क्या जरूरत पड़ गई थी। क्या अचानक ही उसे अपनी जान की फिक्र हो गई थी या ऐसा उसने कातिल से बदला लेने के लिए एडवांस में इंतजाम किया था। उस रोज ऑफिस में उसकी बातों से लगा तो मुझे कुछ ऐसा ही था जैसे वो अपनी बीवी की हत्या का बदला खुद लेने पर उतारू था, मगर लाख रुपए का सवाल ये था कि उसे कैसे मालूम था कि उसकी हथियार की जरूरत कहाँ से पूरी हो सकती थी। क्या हथियार मुहैया कराने में रजनीश अग्रवाल का कोई हाथ था, क्या माजरा था। वो बहरहाल स्कूल के पास पहुंचकर वो इंतज़ार करती कैब में दोबारा सवार हो गया। हम एक बार फिर उसके पीछे लग गए। इस बार वो टैक्सी में सवार हुआ तो सीधा अपने फ्लैट वाली इमारत के सामने पहुंचकर ही नीचे उतरा, लिहाजा हमें उसका पीछा छोड़ना पड़ा। वहाँ से हम देवली मोड़ पहुँचे जहाँ कार मैंने शीला के हवाले करने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया और स्कूटर लेकर ऑफिस के लिए रवाना हो गए। उसके पीछे पीछे मैं भी साकेत पहुँचा। अपने ऑफिस वाली इमारत के नीचे पहुंचकर मैं अपनी कार पार्क करने ही लगा था कि मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने कॉल अटेंड की
तमाम आशाओं के विपरीत फोन रंजना चावला का निकला। विक्रांत, मुझे मंदिरा का मोबाइल मिल गया है, वो बेहद उत्तेजित लहजे में बोली। कहाँ था? मैं हैरान होता हुआ बोला। स्टडी में उसके चेयर का निचला हिस्सा कुछ यूं फटा हुआ है कि वहाँ एक पॉकेट सा बन गया है, उसी में रखा हुआ था। आज मैं यूं ही बेमकसद उस चेयर पर जा बैठी और उसकी दराजी खोल खोल कर हाउस में रखी चीज़ों का मुआयना कर रही थी, जब इत्तेफाकन मेरा हाथ चेयर के नीचे चला गया। वहाँ मुझे कुछ फूला हुआ महसूस हुआ। मैंने चेयर से नीचे उतर कर देखा तो पाया कि वहाँ फटे हुए हिस्से में मोबाइल रखा हुआ था, जो कि उस घड़ी ऑफ था। मैंने उसे ऑन करने की कोशिश की तो नहीं हुआ, मगर जब मैंने मोबाइल को चार्ज पर लगाया तो ऑन हो गया। अब तुम बताओ, मुझे मोबाइल पुलिस को सौंपना चाहिए या नहीं? मैंने उस मोबाइल को ऑन करने की कोशिश की तो ऑन नहीं हुआ, मगर जब मैंने मोबाइल को चार्जर पर लगाया तो ऑन हो गया। अब तुम बताओ, मुझे मोबाइल पुलिस को सौंपना चाहिए या नहीं? फौरन से पेशता तुम्हें ये काम करना चाहिए था, बल्कि सबसे पहले पुलिस को ही फ़ोन करना चाहिए था। मगर अब जबकि तुमने मुझे फ़ोन कर ही दिया है तो थोड़ा इंतज़ार करो, मैं अभी वहाँ पहुँचता हुआ। इसके बाद जो करना ज़रूरी होगा वो हम करेंगे। ओके, आ जाओ, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। साहिबान, हर बात पर शक करने की इतनी बुरी लत लग चुकी है कि अब मुझे इस बात पर भी शक होने लगा कि उसने मोबाइल को लेकर इतनी कथा करी थी, वो भी सफाई देने वाले अंदाज में, मानो मोबाइल बरामद कर उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। वो सीधा सीधा कह सकती थी कि उसे मंदिरा का मोबाइल मिल गया था, कहीं ऐसा तो नहीं मोबाइल पहले ही उसके हाथ लग गया हो और वो बता आज रही हो, जो मोबाइल पुलिस को वहाँ की भरपूर तलाशी लेने के बाद भी नहीं मिला था। वो यू आसानी से उसके हाथ लग गया, भला ये कोई मानने वाली बात थी? मैंने एक बार फिर अपनी कार सड़क पर डाल दी। मंदिरा के फ्लैट तक पहुँचने में मुझे 4 बज गए। रंजना को मैंने बेसब्री से अपना इंतजार करते पाया। उसके चेहरे पर गहन उत्कंठा के भाव थे और होशो हवास उड़े हुए जान पड़ते थे, जो महज मोबाइल की बरामदगी के कारण हुआ नहीं हो सकता था। क्या हुआ? मैं हड़बड़ाता हुआ बोला। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? विक्रांत कहकर वो एकदम मुझसे लिपट गई। थैंक्स गॉड, तुम आ गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? मैं उसकी पीठ टटोलता हुआ बोला। जी हाँ, टटोलता हुआ, ना कि सहलाता हुआ, जो कि सांत्वना देने के लिए जरूरी होता है, मगर उस पर कोई नोटिस लेने की बजाय वो और कसकर मुझसे लिपट गई। किस फिराक में थी वो? किस बात से डर रही थी? मैंने उसे अपने सामने से खिसकाकर बगल में दबोचा और दरवाज़ा लुढ़काता हुआ डाइनिंग रूम में पहुंचा। वहाँ मैं बेहतर ढंग से उसका डर दूर कर सकता था। मैं उसे बगल में दबाए हुए ही एक सोफे पर पसर गया। उसने मुझसे अलग होने की कोशिश नहीं की, बल्कि बदस्तूर मुझसे लिपटी रही और मैं तसल्ली देने वाले अंदाज में उसके अरमानों को हवा देने की कोशिश करता रहा। कुछ क्षण तो उसकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, फिर जैसे अचानक ही उसका डर दूर हो गया, वो छिटक कर मुझसे अलग हो गई। मैं जन्नत की सैर करने के सपने देखता जैसे दोजख में जा गिरा। विक्रांत, मुझे लगता है मैं कातिल को पहचान गई हूँ। अच्छा, कौन है कातिल? मेरा मतलब है, मैं उसकी आवाज़ दोबारा सुनूं तो पहचान जाऊंगी। पहले उसकी आवाज़ सुनी है तुमने? हाँ, मंदिरा के फोन में उसकी आवाज़ रिकॉर्ड है। वो चौहान के बारे में उससे बातें कर रहा था। किसी बात को लेकर वो मंदिरा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि चौहान उसे बुरी तरह पेश आ सकता है, इसलिए उसे चौहान से सावधान रहना चाहिए। फिर कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने शुरू हो गई, इसके बाद सन्नाटा छा गया। फिर थोड़ा फॉरवर्ड करने पर कुछ लोगों के बातें करने की आवाज़ें रिकॉर्ड हैं, जिनके बारे में मेरा अंदाज़ा है कि वो मंदिरा के कत्ल के बाद यहाँ पहुँचे पुलिस वालों की आवाज़ें हैं। आगे भी वो वैसे ही रिकॉर्डिंग है। तुमने किसी को, मेरे अलावा किसी को भी मोबाइल की बरामदगी के बारे में बताया था? हाँ, कुछ लोगों को फ़ोन करके मैंने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी कि उनमें से किसकी आवाज़ कातिल की आवाज़ से मैच करती है। यूँ कितने लोगों को फ़ोन कर चुकी हो तुम? कुल जमा 4 लोगों को, जिनमें मनोज गायकवाड़, महीफ शाह, मुकेश सैनी और तुम
महिफ शाह और मुकेश सैनी को कैसे जानती हो? मैं नहीं जानती, मगर मंदिरा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स बताती है कि उसने कत्ल वाले रोज इन दोनों को फ़ोन किया था, लिहाजा मैंने ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं समझा। कोई नतीजा निकला? कहना मुहाल है, वो आवाज़ उनमें से किसी की भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। सच पूछो तो मुझे उन चारों की ही आवाज़ कातिल की आवाज़ से मिलती जुलती मालूम हुई थी। क्या कहने तुम्हारे ऑब्जेक्शन की, कमाल का अंदाजा लगाया है तुमने। बावजूद मेरे तंज कसने के वो हंस पड़ी। तुमने उसमें से किसी को बता तो नहीं दिया कि तुम किस फिराक में थी? बताया था, सबको बता दिया था, लिहाजा जान देने को मरी जा रही हो? नहीं, उसने जवाब नहीं दिया। मोबाइल कहाँ है? स्टडी में चार्ज हो रहा है, रुको मैं लेकर आती हूँ, कहकर वो जाने को उठ खड़ी हुई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम डरी हुई हो क्यों? अब नहीं हूँ, पहले ये सोचकर दम निकला जा रहा था कि कहीं कातिल उन चारों में से कोई एक हुआ तो यकीनन वो मेरी जान के पीछे बढ़ जाएगा, बस यही बात थी। हाँ, मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वो स्टडी की ओर बढ़ी तो अचानक मुझे ख्याल आया कि उसने चौथे शख्स का नाम तो बताया ही नहीं। चौथा फोन तुमने किसको किया था? मैं तनिक उच्च स्वर में बोला। अभी बताती हूँ, कहती हुई वो स्टडी में घुस गई। उसकी बातों पर मुझे रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ था, मुझे लगा डरने की तो बस नौटंकी कर रही थी। असल बात यकीनन कुछ और थी जो कि उसको कॉन्फिडेंस में लेकर उगलवाना जरूरी था। उसके लिए वक्त दरकरार था और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कम से कम वक्त का मेरा पास आजकल कोई तोड़ा नहीं था, क्योंकि आगे बढ़ने के तमाम रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके थे। मैं उसका इंतज़ार करने लगा और फिर वही हो गया जिसके होने की कम से कम उस घड़ी मुझे कतई कोई उम्मीद नहीं थी। धाय कि जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। मैं सोफे से उछलकर स्टडी की ओर लपका। स्टडी का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, मगर भीतर घुसना खतरनाक साबित हो सकता था। अगर गोली रंजना पर चलाई गई थी तो कातिल यकीनन अभी भी भीतर था। ऐसे में एक और गोली आपके खादे पर दाग देना उसके लिए क्या बड़ी बात होती? ठीक तभी दूसरी गोली चलने की आवाज़ गूंज उठी। मेरी साइलेंसी रिवॉल्वर इस वक्त मेरे कार में पड़ी थी, लिहाजा मेरे किसी काम की नहीं थी। मैंने अगल बगल निगाह दौड़ाई, पास में ही लोहे के स्टैंड पर पीतल का एक भारी फूलदान रखा था। मैंने उसमें से फूल निकालकर बाहर फेंका और फूलदान को हाथ में तलता हुआ दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। स्टडी से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था, ये बात मैं अपने पहले फेरे से ही जानता था, लिहाजा दरवाजे से बाहर आना उसकी मजबूरी थी, जहां मैं उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। दो मिनट यूं ही गुजर गए। इस दौरान भीतर से किसी हलचल का आभास मुझे नहीं मिला। तभी मेरे दिमाग में भीतर मेज के पीछे की खिड़की का अक्स उभरा। उस पर ग्रिल लगी हुई थी, उसमें से भीतर दाखिल होना या बाहर निकलना दोनों असंभव काम थे, मगर गोली तो भीतर दाखिल हुए बिना भी चलाई जा सकती थी। ये ख्याल दिमाग में आते ही मेरा इस बात से यकीन हिलने लगा कि कातिल अभी भी भीतर था। मैंने हिम्मत करके सावधानीपूर्वक स्टडी का दरवाज़ा पूरा खोल दिया। मेज के पीछे की खिड़की का टूटा हुआ कांच अपनी कहानी आप बयान कर रहा था, फिर भी मैं पूरी सावधानी बरतता हुआ स्टडी में दाखिल हुआ। बुक सेल्फ के पास फर्श पर पीठ के बल रंजना की लाश पड़ी थी। सिर के नीचे का फर्श खून से रंगा हुआ था। गोली निश्चय ही उसके सिर के पृष्ठ भाग में मारी गई थी। पहली बार शायद कातिल का निशाना चूक गया था, क्योंकि एक गोली मुझे सामने की दीवार में घुसी हुई दूर से ही दिखाई दे रही थी। मगर जल्दी ही मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ा, कातिल का निशाना नहीं चुका था। उसने पहली गोली में ही रंजना को ढेर कर दिया था। दूसरी गोली उसने यकीनन वहाँ स्टूल पर रखे मोबाइल पर चलाई थी, जिसके टुकड़े करती हुई गोली सामने दीवार में जा घुसी थी। मोबाइल के अवशेष और हवा में स्विच बोर्ड के साथ झूलता चार्जर अपनी कहानी खुद बयान कर रहे थे। मैंने झुककर मंदिरा की नब्ज टटोली, जैसा कि दूर से ही दिखाई दे रहा था वो मर चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने लाश को पलटकर गोली कहाँ मारी गई थी ये देखने की हसरत को अपने सीने में दफन किया और दरवाज़ा लुढ़काकर पहले एसडी से फिर फ्लैट से बाहर निकल आया।
एक लंबा घेरा काट कर मैं स्टडी की खिड़की के नीचे पहुंचा। वहां का बारीक मुआयना करने पर मुझे लगभग यकीन आ गया कि कातिल कोई 6 फुटा व्यक्ति ही था, क्योंकि खिड़की का निचला हिस्सा फर्श के लेबर से 2.5 फीट ऊंचाई पर था, जबकि कमरे के फर्श का लेबर गली के लेबल से तकरीबन 2.5 फीट ऊंचा था, यानी कुल जमा 5 फीट की ऊंचाई से भीतर झांकते हुए निशाना लगाना था। लिहाजा कातिल ऐसी किसी भी हाल में 6 या 6 फीट से कम नहीं हो सकता था। दूसरी अहम बात यह थी कि कातिल का निशाना परफेक्ट था, वरना वहाँ से स्टूल पर रखे मोबाइल को निशाना बनाना कोई आसान काम नहीं था। किसी अनाड़ी ने गोली चलाई होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि गोली स्टूल से टकराती और मोबाइल फर्श पर जा गिरता। वापस लौटते वक्त मेरी निगाह गली के मुहाने के पास कच्ची मिट्टी पर बने फहियों के निशान पर गई, जो कि वहाँ मिट्टी गीली होने की वजह से बहुत गहरे जान पड़ते थे। वो निशान किसी दोपहिया वाहन के फहियों से बने थे, लिहाजा कातिल वहाँ तक मोटरसाइकिल से आया हो सकता था। गली के मुहाने पर सड़क की दूसरी ओर मुझे एक 610 स्टोर दिखाई दिया, जहाँ सीसीटीवी कैमरा होना आम बात थी। मुझे यकीन था वहाँ से कातिल के बारे में कोई ना कोई क्लू हासिल होकर आना था। मैं फ्लैट के सामने वापस लौटा। अभी मैं भीतर दाखिल होने ही लगा था कि मुझे वहाँ हलचल का आभास हुआ। मुझे लगा भीतर कोई है, लेकिन कौन? इस बार मैं खुद को पछताने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, लिहाजा लपक कर अपनी कार तक गया और रिवॉल्वर निकाल कर पतलून की बेल्ट में खोसने के बाद वापस लौटा। अब मैं किसी भी अवांछनीय स्थिति से 2-4 होने को तैयार था, क्योंकि मेरे पास अब हथियार आ चुके थे। पूरी सावधानी बरतता हुआ मैं भीतर दाखिल हुआ। उस दौरान मेरी रिवॉल्वर बेल्ट से निकल कर मेरे हाथ में आ चुकी थी। डाइनिंग रूम क्लियर था। मुझे लगा वहाँ जो भी था इस वक्त स्टडी में था। मैं स्टडी के अधखुले दरवाजे की ओर रिवॉल्वर ताने आगे बढ़ा, तभी स्टडी का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकलता दिखाई दिया। खबरदार, हिले तो गोली चला दूंगा। पागल हो गया क्या गोखले? आवाज़ के साथ साथ मुझे चौहान की सूरत दिखाई दी। मैंने एक लंबी सांस ली, फिर रिवॉल्वर वापस बेल्ट में खोस ली और हैरान निगाहों से उसे देखने लगा। क्या हुआ तुम बताओ? जेल जाने के लिए एकदम मरे जा रहे हो? नहीं, बकवास मत कर यार। अब मुझे क्या सपना आना था कि इसका कत्ल होने हो जाने वाला है? जो मैं यहाँ आने से परहेज बरतता, मैं तो बस इससे कुछ जनरल बातें करना चाहता था। ये सोचकर कि क्या पता पहले कुछ बताना भूल गई हो, फिर तू बार बार ये क्यों भूल जाता है कि मेरी जान सूली पर चढ़ी हुई है? कैसे मैं चैन से बैठा रह सकता हूँ? वो बोले जा रहा था, जबकि मुझे उसका कहा एक शब्द भी उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था। मेरे जहन में तो बस दो ही बातें गुज रही थी, कद 6 फीट, निशाना परफेक्ट। सच पूछिए साहबान, तो इस वक्त चौहान से मेरा विश्वास पूरी तरह हिला जा रहा था। उसकी बेगुनाही का पूरी तरह यकीन तो मुझे पहले भी नहीं था, मगर आज तो जैसे बचा खुचा भी खत्म होने के आज तो जैसे मेरा बचा खुचा विश्वास भी खत्म होने के कगार पर था। इस वक्त उसकी वहाँ मौजूदगी अपने आप में शक उपजाऊ बात थी। अगर कत्ल उसने किया था तो कत्ल के बाद उसकी यहाँ मौजूदगी का सिर्फ एक ही मतलब निकलता था। वो अंदाज़ा लगाना चाहता था कि कहीं उसकी तमाम सावधानियों के बावजूद मुझे उस पर कोई शक तो नहीं हो गया था, या रंजना ने कोई ऐसी बात तो मुझे नहीं बता दी थी जिससे उस पर बतौर कातिल कोई उंगली उठती हो। ऊपर से उसने अपनी शर्ट पैंट से बाहर निकाल रखी थी, ऐसा लापरवाह तो कभी नहीं था। लिहाजा उसकी पतलून में कोई हथियार अलायक कत्ल जिससे कि उसने रंजना को गोली मारी थी मौजूद हो सकता था। क्या मुझे उस बाबत चौहान से प्रश्न करना चाहिए? मेरे दिल ने कहा नहीं, मगर दिमाग ने कहा हाँ जरूर करना चाहिए। इस तरह कम से कम उसकी स्थिति कुछ तो साफ होती। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाल कर दोबारा उस पर टान दी। क्या कर रहा है तू? होश में तो है? हिलना नहीं प्लीज। वो तो चल मैं नहीं हिलता, मगर हुआ क्या तेरे को? तुम्हारे पास हथियार है?
हाँ है तो निकाल कर सेंट्रल टेबल पर रखो प्लीज। ओह अब समझा, काका रो जोर से ठहाका मार कर हंस पड़ा। ओह अब समझा, काका रो जोर से ठहाका मार कर हंस पड़ा। फिर उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल कर सामने टेबल पर रखते हुए कहा, गोखले किसी को तो बख्श दिया कर। रिवॉल्वर निकाल कर सामने टेबल पर रखते हुए कहा, गोखले किसी को तो बख्श दिया कर। मैं बिना कुछ कहे टेबल के करीब पहुंचा और रिवॉल्वर उठाने के लिए जेब से रुमाल निकालने लगा। बस यहीं मैं गच्चा खा गया। उसने टेबल के नीचे से अपनी लात चलाई, मैं मुंह के बल एन उसकी रिवॉल्वर के सामने टेबल पर गिरा। इस दौरान मेरी अपनी रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकल गई, जबकि वो अपनी रिवॉल्वर मुझ पर तान चुका था। क्या कहता है, चला दूं गोली, वो कहर भरे स्वर में बोला। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कुछ नहीं, मगर रिवॉल्वर तानने से पहले ये क्यों भूल गया कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, ट्रेनिंग दी जाती है हमें इन चीज़ों की। कैसे तूने सोच लिया कि यू आसानी से मुझ पर काबू पा लेगा? हैरानी होती है ये सोचकर कि तू मुझे अपना दोस्त तस्लीम करता है। ये दोस्तों वाली हरकत ही, दोस्त वो होता है जो कहे कि कोई बात नहीं चौहान, तूने कत्ल कर भी दिए तो क्या मैं तुझे बचा के दिखाऊंगा? और एक तू है कि मुझ पर ही शक कर रहा है, उस इंसान पर जिसने अपनी जिंदगी का दारोमदार तेरे कंधों पर डाल रखा है। कहने के बाद उसने चुपचाप अपनी रिवॉल्वर मुझे थमा दी। बेशक उसने मुझे शर्मिंदा करने की भरपूर कोशिश की थी, पर ऐसी कोशिश क्या किसी ने पहली बार की थी? महाबेशर्मों की तरह मैंने उसके हाथों में से रिवॉल्वर लेकर उसका मुआयना किया। सुनकर देखा कम से कम हाल फिलहाल में तो उससे गोली नहीं चलाई गई थी, इसकी मुझे गारंटी थी। मैंने रिवॉल्वर उसे वापस लौटा दी। फिर अपनी रिवॉल्वर फर्श से उठाकर मैंने दोबारा पतलून में खोस ली। अब क्या कहता है, सॉरी मुझे सोचना चाहिए था, अगर रंजना का कत्ल तुमने किया होता तो अब तक उस रिवॉल्वर को ठिकाने लगा चुके होते। उसने असहाय भाव से मेरी ओर देखा। उसने असहाय भाव से मेरी ओर देखा फिर बोला, तू बाज नहीं आ सकता, क्या करूं, मेरा धंधा ही ऐसा है, ऐसी चीज़ों को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से खिसको तो मैं पुलिस को कॉल लगाऊं, तू उन्हें मेरे बारे में बताएगा? नहीं, इन कत्ल के वक्त तुम्हारी यहाँ मौजूदगी का ढिंढोरा पीटना तो बिना कुछ कहे तुम्हें कातिल करार देने जैसा होगा। गुड, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर, कहकर उसने मुझे एक नंबर नोट करवा दिया। वर्दी का जुगाड़ कर सकते हो? कर सकता हूँ, आगे बोल। शाम को मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, फोन करना, कहकर वो बाहर निकल गया। उसके पीठ फेरते ही मैंने खान को फोन करके वो वहाँ हुई वारदात की सूचना दे दी। इसके बाद एक सोफे पर पसर कर सिगरेट के सट्टे लगाते हुए पुलिस का इंतजार करने लगा। उस दौरान एक बात मेरे जहन में बार बार दस्तक देती रही कि कातिल को कैसे पता चला कि मंदिरा का मोबाइल रंजना के हाथ लग गया है, और अगर लग भी गया है तो उसमें कोई ऐसी बात थी जो उसे फंसवा सकती थी। इसका तो एक ही मतलब निकलता था और वो ये थी कि कातिल उन चार लोगों में से कोई एक था जिन्हें रंजना ने फ़ोन करके मोबाइल और उसमें मौजूद रिकॉर्डिंग के बारे में बताया था। साफ जाहिर हो रहा था कि रंजना का कत्ल उस मोबाइल की वजह से ही हुआ था। कातिल को यूँ आनन फानन में उसकी खबर लग जाना भी ये साबित करता था कि अपनी चारों कॉल्स में से एक को यकीनन कातिल को कर बैठी थी। कौन था हत्यारा, महीफ शाह, मुकेश सैनी, मनोज गायकवाड़, या फिर वो चौथा शख्स जिसका नाम बता पाने से पहले ही उसका कत्ल कर दिया गया था? क्या वो चौथा शख्स चौहान हो सकता था? यकीनन हो सकता था, पर अगर सचमुच ऐसा हुआ था तो मुझे इस केस में जानमारी करने की ज़रूरत ही क्या थी? फिर जैसे मैंने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे डाला, जरूरत तो थी, आखिर अपने पेड क्लाइंट मनोज गायकवाड़ को मुझे कातिल का नाम जो बताना था। मुझे एक बार फिर अपने आप पर गुस्सा आने लगा।
क्यों मैं चौथे शख्स का नाम सुनने से पहले ही उसे सवाल जवाब करने लगा था। काश कि मैंने उसे चारों नाम लेने दिए होते। उस स्थिति में जांच का दायरा चार लोगों के बीच सिमट कर रह गया होता, जिसमें से कातिल को सर्ट आउट कर लेना क्या बड़ी बात होती। यकीनन मैं सांप निकलने के बाद लकीर को पीट रहा था। 20 मिनट बाद एडिशनल SHO तिवारी अपने दल बल के साथ वहां हाजिर हुआ। लाश कहाँ है, उमेर करीब आते हुए बोला। वहीं जहां से बड़ी बहन की लाश बरामद हुई थी। जवाब में बिना कुछ कहे वो सीधा स्टडी में जा घुसा। लाश और घटना स्थल का मुआयना करने में उसने पूरे 20 मिनट जाया किए, फिर बाहर आकर मेरे बगल में सोफे पर पसर गया। सिगरेट होगी तुम्हारे पास, जवाब में मैंने बिना कुछ कहे सिगरेट का पैकेट और लाइटर उसे थमा दिया। उसने एक सिगरेट निकाल कर सुलगाया और पैकेट मुझे वापिस करता हुआ बोला, कैसे कर लेते हो इतना सब कुछ। मैं हंसा, सच कहता हूँ मैंने तुम्हारे जैसा फसादी आदमी नहीं देखा। जहाँ जाते हो वहीं किसी ना किसी का कत्ल करवा देते हो। बड़ी बहन से मिलने आए, उसका कत्ल हो गया। अंकुर रोहिला से मिलने गए तो बेचारा भी जान से गया, और अब रंजना चावला, कम से कम उसे तो बख्श दिया होता। तुम तो ऐसे कह रहे हो तिवारी साहब जैसे इस हत्याकांड के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे यकीन है कि इन हत्याओं के पीछे कम से कम तुम्हारा हाथ नहीं है। लेकिन मैं ये सोचकर हैरान जरूर हुआ हूँ कि ऐसा इत्तेफाक बार बार तुम्हारे ही साथ आखिर क्यों हो रहा है, कि जहाँ पर तुम जाते हो वहीं पर एक कत्ल हो जाता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि सिर्फ मैं ही इस केस में मारा मारा फिर रहा हूँ, कातिल को बेनकाब करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा जो हूँ मैं। और हम क्या कर रहे हैं भाई, हम क्या हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए हैं? पुलिस को क्या कोई परवाह नहीं कि कातिल छुट्टा घूम रहा है ना, होने का कोई मतलब ही नहीं है। मगर तुम लोग रूटीन फॉलो करते हो, एक साथ कई केसेस पर काम कर रहे होते हो, जबकि मैं एक बार में सिर्फ एक ही केस के पीछे भागता हूँ। इसलिए कभी कभार इत्तेफाकन पुलिस से दो कदम आगे निकल जाता हूँ। ऊपर से इस केस में तुम लोग चौहान को मुजरिम मानकर सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे लगे हुए हो। उसे कोर्ट में निर्वाध रूप से हत्यारा साबित करने के लिए सबूत इकट्ठे करने में जुटे हुए हो, जबकि मैं उसे बेगुनाह मानकर असली हत्यारे की तलाश में दिन रात एक किए हूँ। ऐसी कोशिश का क्या फायदा गोखले, जिसका कुछ हासिल ही ना निकले। ना सही, मगर इस डर से मैं कोशिश करना तो बंद नहीं कर सकता। आखिर मुझे अपनी फीस की भी तो जस्टिफाई करके दिखाना है। चौहान ने फीस भरी है तुम्हारी? नहीं, उसने नहीं, फिर किसने? मैं खामोश रहा। छोड़ो मुझे, उस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं, कहकर उसने सिगरेट का एक कस लगाया, फिर आगे बोला, अब बिना कुछ छिपाए दबाए सारा किस्सा बयान कर डालो। मैंने किया, बगैर लाग लपेट के तमाम घटनाक्रम ज्यों का त्यों बयान कर दिया, सिवाय दो बातों के। पहली ये कि चौहान के वहाँ पहुँचने की बात मैं गोल कर गया, बावजूद इसके कि मेरा दिमाग बार बार मुझे चेता रहा था कि पुलिस से चौहान की आमद छिपाकर मैं गलती कर रहा था। दूसरी बात, वो तीन नाम थे जिन्हें मकतुला ने फ़ोन करके उनकी आवाज़ को कातिल की आवाज़ से मैच करने की कोशिश की थी, और ये अपनी जान गंवा बैठी थी। कातिल उन तीनों में से भी कोई हो सकता था, लिहाजा चौथे शख्स का नाम न मालूम होने के बावजूद मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकता था। पुलिस की रूटीन कार्रवाई चलती रही और मैं ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट फूंकता रहा। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि पुलिस कार्रवाई में दखल अंदाज होने की इजाज़त नहीं थी। फिर तकरीबन 1 घंटा बाद में पुलिस पार्टी के साथ थाने पहुंचा, जहां तफसील से मेरा बयान दर्ज करके मुझे छुट्टी दे दी गई। साहिबान, पुलिस के बारे में कोई गलतफहमी ना पाले, मैं इतनी आसानी से आज़ाद कर दिया गया तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि आजकल हमारी पुलिस अपनी चिर परिचित लोगों को बेवजह हलकान करने वाला अंदाज से बाज आ गई थी। अगर मेरे साथ हुए लोग उस तरफ पेश नहीं आते थे तो इसकी अहम वजह थी उनका SHO और
एसपी मुझे भाव देते थे। क्यों देते थे, ये जांच का मुद्दा था। थाने से निकलकर मैं सीधा मुकेश सैनी के फ्लैट पर पहुंचा। कॉल बेल के जवाब में उसने दरवाजा खोला, फिर जैसे ही उसकी निगाह मुझ पर पड़ी उसने बुरा सा मुंह बनाया। न कोई हाय हेलो, न उसने मुझे भीतर आने को कहा, उल्टा दरवाजे पर यूं डट कर खड़ा हो गया, मानो मुझे भीतर ना आने देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा हो। लिहाजा मुझे अपना परिचय फिर से देना पड़ेगा। प्रत्यक्षता मैं बोला, कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें भूला नहीं। ओबेरुखी से बोला, तुम वही शख्स हो जिसने कल अंकुर रोहिला के बंगले पर मेरी खिंचाई करवाई थी। तौबा, मैं भला ऐसा क्यों करता, करते नहीं किया, कल तुम्हारी वजह से ही मेरी वहाँ उतनी फजीहत हुई थी। क्या बात है भाई, अभी तो शाम भी नहीं ढली है फिर भी घूट लगाए बैठे हो। बको मत, मैंने ड्रिंक नहीं किया है, फिर इतना बेगानापन क्यों दिखा रहे हो मुझसे। तुम्हें मालूम है क्यों दिखा रहा हूँ, कल अगर तुमने ये कह दिया होता कि तुम मुझे जानते हो तो पुलिस वाले मुझे परेशान तो नहीं करता। और क्या कहा था मैंने, कहा तो वही था मगर कहने का अंदाज ऐसा था जिससे जबरन वो सब तुम्हारे मुंह से निकले हो। तुम शायद ये भूल रहे हो कि वहाँ ताजा ताजा एक कत्ल होकर हटा था। यही क्या कम था जो मैंने उन्हें ये नहीं बता दिया कि तुम वो मुकेश सैनी हो जो सुनीता के कत्ल से पहले उसके फ्लैट में घुसते देखे गए थे। तो बोल देते वो क्या मुझे फांसी पर मुझे चढ़ा देते। फांसी तो नहीं चढ़ा देते लेकिन इतनी आसानी से तुम्हें वहाँ से जाने भी नहीं देते। तुम एन कत्ल के वक्त मौकाए वारदात पर मौजूद थे, ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होती अगर पुलिस तुम्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लेती और हवालात में बंद करके भूल जाती। उनके बाप का राज है तो कुछ ऐसा ही, मगर उस बाबत मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा। क्या चाहते हो, इस दरवाजे पर खड़े होकर तो कुछ नहीं चाहता, अगर भीतर आने दो तो कुछ बात बने और ना आने दो तो ये कि मैं पुलिस को न सिर्फ सुनीता के फ्लैट में तुम्हारी विजिट के बारे में बता दूंगा बल्कि उन्हें ये भी बताऊंगा कि तुम मंदिरा चावला को पहले से जानते थे। लिहाजा तुम वो दूसरे शख्स होगे जो मंदिरा चावला और सुनीता गायकवाड़ दोनों को जानता था। देख लेना, उसके बाद पुलिस की नज़रें इनायत तुम पर होकर रहेगी, तब यू दरवाजे पर खड़ा करके उनका इंटरव्यू लेकर दिखाना। तो कौन कहता है कि मैं मंदिरा चावला को जानता था, साथ ही मैंने उन्हें ये भी बताऊंगा कि मैं उसके सवाल को नज़रअंदाज करके बोला कि तुम वो इकलौते शख्स थे जिसे रंजना चावला ने फ़ोन करके ये बताया था कि मंदिरा का मोबाइल उसके हाथ लग गया था जिसमें कातिल की आवाज़ रिकॉर्ड थी। इसका क्या मतलब हुआ, अब क्या मुझे फ़ोन करने के लिए लोगों को तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी। नहीं, मगर इकलौती बात पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं कातिल तुम ही तो नहीं हो। ऐसी क्या खास बात है उस फोन कॉल में, मालूम तो होना चाहिए तुम्हें, आखिर इतने बड़े मास्टर माइंड जो ठहरे तुम। फिर भी अगर मेरे मुंह से ही सुनने को बेताब हो तो सुनो। जी हुई तुम्हें पता लगा कि मंदिरा का मोबाइल बरामद हो गया है जिसमें कातिल की आवाज़ रिकॉर्ड है, तुम्हारे होश भागता हो गए। तुम जानते थे देर सवेर उस आवाज़ का मिलान तुम्हारी आवाज़ से ज़रूर किया जाएगा जो कि यकीनन पहचान ली जाएगी, लिहाजा आनन फानन में तुमने उसके कत्ल का फैसला कर डाला। आखिरकार तीन कत्ल तुम पहले ही कर चुके थे, लिहाजा हौसले की कोई कमी तो थी नहीं तुम्हारे भीतर। मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसकी स्टडी के इन पीछे वाली गली तक पहुँचे, आगे पैदल ही गली में दाखिल होकर उस खिड़की तक पहुँचे जो कि गली में खुलती थी। तुम्हारा इरादा खिड़की के जरिए वहाँ का माहौल भावना था, मगर जब तुम वहाँ पहुँचे तो इतफाकन उसी वक्त रंजना भी स्टडी में पहुँच गई जो कि तुम्हारे लिए सहूलियत वाली बात साबित हुई। वहाँ तुमने न सिर्फ रंजना को गोली मार दी बल्कि एक गोली वहाँ चार्जिंग पर लगे मोबाइल पर भी चला दी बिना ये जाने कि वो मोबाइल मंदिरा वाला मोबाइल था भी या नहीं। क्या बकते हो, रंजना चावला का कत्ल हो गया, उसने बुरी तरह चौंक कर दिखाया, अगर ये उसका अभिनय था तो कमाल का अभिनय था। क्यों भाई, खुद की निगाह में गोली किसी और को मारी थी क्या जो यूँ चौंक कर दिखा रहे हो, जिसे तुम कुछ है तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मैं भला उसका कत्ल क्यों करूँगा, बताया तो था मोबाइल की रिकॉर्डिंग की वजह से,
क्योंकि तब तक वो रिकॉर्डिंग सिर्फ रंजना ने ही सुनी थी। यही नहीं, तुमसे बात करने के बाद बतौर कातिल वो तुम्हारी शिनाख्त भी कर चुकी थी। अच्छा, तो मैं तुम्हें इतना बड़ा गांवदी लगता हूँ कि मैंने बगैर मोबाइल की शिनाख्त की गोली मारकर उसे तोड़ दिया, जबकि वो मोबाइल मंदिरा की बजाय रंजना का भी हो सकता था, किसी और का भी हो सकता था, यहाँ तक कि तुम्हारा भी हो सकता था, जिसकी बैटरी लो होने पर तुमने रंजना को चार्जिंग पर लगाने के लिए दिया हो सकता था। बावजूद इन सारी बातों को मैंने रंजना को गोली मारी, मोबाइल को तोड़ा और वहाँ से चलता बना। क्या कहने तुम्हारे? उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में जैसे कोई घंटी से बजी। उसे कैसे मालूम था कि रंजना के कत्ल के वक्त मैं वहाँ मौजूद था? सिर्फ एक ही सूरत में मालूम हो सकता था, जबकि कत्ल के वक्त तो खुद भी वहाँ मौजूद रहा, मगर अपना रोशन ख्याल मैंने उस पर जाहिर करने की फिलहाल कोई कोशिश नहीं की। अब चुप क्यों हो गए? बोलते क्यों बंद हो गई तुम्हारी? या फिर तुम्हारी इन तमाम बातों का मतलब मैं ये लगाऊं कि तुम मुझे कत्ल के केस में लपेटने के लिए मरे जा रहे हो? नहीं, वो काम मेरे अख्तियार में नहीं है, कहकर मैं तनिक रुका। फिर यहाँ भी वो वहीं चाल चली जो अंकुर रोहिला बंगले पर चलकर कामयाब हो चुका था। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इन कत्ल के वक्त में तुम वहाँ क्यों मंडा रहे थे? कौन कहता है? वो दिलेरी से बोला। सीसीटीवी की वो फुटेज कहती है जो गली के एन सामने सड़क के परली तरफ एक मिक्स टीन स्टोर में लगा हुआ है। गुड, वो संतुष्टि भरे लहजे में बोला। अगर सचमुच वहाँ कोई सीसीटीवी लगा हुआ है तो समझ लो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनकर मैं केवल एक क्षण को शक पकाया, फिर खुद को संभाल कर बोला, गए क्यों थे तुम वहाँ? था कोई निजी काम जिसके बारे में तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। तो तुम्हें रंजना के कत्ल की पहले से खबर थी? नहीं थी, बाय गॉड नहीं थी, लेकिन कत्ल के आसपास के वक्त मैं उस इलाके में मौजूद जरूर था। तुम्हें क्या पता कि उसका कत्ल कब हुआ था? नहीं पता। फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम कत्ल के आसपास के वक्त में वहाँ मौजूद थे? भाई, तुम्हारी ने तो कहा था कि वहाँ किसी सीसीटीवी फुटेज में तुमने मुझे देखा था। हाँ, मगर मैंने तुम्हें कत्ल का वक्त तो बताया नहीं था। तो नहीं बताया होगा यार, वो झुंझला कर बोला। अब यहाँ से चलते फिरते नजर आओ, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, कहकर उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर मैं पहले ही दरवाजे में अपनी टांग अड़ा चुका था। कल तक तो तुम्हारे पास वक्त का कोई तोड़ा नहीं था, आज क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे बाप, कहकर वो दरवाज़ा खुला छोड़कर भीतर जाकर सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। मगर मैंने भीतर दाखिल होने की कोई कोशिश नहीं की। कम से कम इतना तो बता दो कि अगली बारी किसकी है? जवाब में उसने एक बार फिर सिर उठाकर आहत भाव से मेरी ओर देखा, फिर दोबारा सिर थाम कर बैठ गया। कोई बात तो यकीनन थी जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा था, और उस कोशिश में ना सिर्फ खुद कन्फ्यूज हो जा रहा था बल्कि मुझे भी उलझाए दे रहा था। आज का उसका व्यवहार मेरी समझ से एकदम परे था। वहाँ और रुकने का कोई मतलब नहीं बनता था। मैं वापस सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो, पीछे से उसकी आवाज़ आई, एक मिनट मेरी बात सुनकर जाओ, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। मैंने पलटकर उसकी ओर देखा, फिर सहमति में सिर हिलाता हुआ उसके फ्लैट में दाखिल हुआ। क्या कहना चाहते हो? देखो, मैं मंदिरा चावला को नहीं जानता था, उसके मोबाइल में तुम्हारा नंबर कॉल रिकॉर्ड में पड़ा हुआ था, रंजना ने वो नंबर डायल करके ही तुमसे बात की थी, वरना तुम खुद बताओ रंजना के पास तुम्हारा नंबर आखिर कहाँ से आता? मैं नहीं जानता, कसम खाकर कहता हूँ कि मैं नहीं जानता मेरा नंबर उसके पास कैसे आया। उसका हाई सोसाइटी के लोगों में शुमार था, मेरी भला उस तक पहुँच क्यों कर मुश्किल हो सकती थी? फिर भी तुम्हारा नंबर उसके मोबाइल में था। हाँ, मगर वो मेरे नाम से सेव नहीं था, लिहाजा कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो गलती से किसी और का नंबर डायल करते वक्त एक अंक आगे पीछे मिला बैठी हो, जो कि इत्तेफाकन मेरा नंबर बन गया हो। तुम बोला, क्या ऐसा हुआ नहीं हो सकता? यूँ तो हुआ हो सकता है, मुझे स्वीकार करना पड़ा। गुड, अब सुनो, मैं आज वहाँ क्यों गया था?
क्यों गए थे। मैंने ओलेक्स और किकर पर बतौर इंश्योरेंस एजेंट अपना विज्ञापन डाला हुआ है, जिसमें मेरा मोबाइल नंबर भी है। उस मोबाइल नंबर को देकर किसी विपिन आहूजा ने मुझसे फ़ोन करके कहा क्यों कोई पॉलिसी कराना चाहता है, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं उसे आकर मिलूं। जवाब में मैंने उसका नाम पता नोट किया और साकेत पहुंचा। मैं उसके बताए पते पर पहुंचने लगा था कि वहां मेरी नज़र कार से उतरते तुम पर पड़ी, जो कि मेरी निगाहों में कोई बड़ी बात नहीं होती। अगरचे कि कल मैं अंकुर रोहिला के बंगले पर झमेले में ना फंस गया होता, तुम्हें वहाँ पहुँचा देकर मेरे मन में कुछ खटाक सा गया। फिर क्या किया तुमने? तब मैं बगैर रुके आगे बढ़ गया और कुछ दूर जाकर मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया जो कि किसी लैंडलाइन का नंबर था। यूँ फ़ोन करने पर मुझे पता चला कि वो नंबर ना सिर्फ किसी PCO का था बल्कि वो कालकाजी के इलाकों में लगा हुआ था। सुनकर मेरी क्या हालत हुई होगी इसका अंदाज़ा तुम खुद लगा सकते हो। मैं बिना एक पल की देरी किए वहाँ से वापस लौट पड़ा। वापसी में जब मैं दोबारा उस मकान के सामने से गुजरा तो मुझे रॉन्ग साइड से आकर तभी वहाँ खड़ी होती एक बाइक दिखाई दी, जिस पर मेरी नज़र पड़ी ही सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रॉन्ग साइड में आ रहा था। इसमें क्या खास बात है? ऐसा तो लोग बाघ आम कर बैठते हैं, कभी जल्दी के चक्कर में तो कभी शॉर्टकट के चक्कर में। खास बात यह है कि बाइक सवार ने उस मकान के सामने रुककर गौर से तुम्हारी कार देख रहा था। कोई नई बात तो नहीं है, वो नए मॉडल की कार है जिसे उत्सुकतावश लोग बाग अक्सर देखने लग जाते हैं। हाँ, मगर वो कोई आम देखने वाला नहीं था, वो अंकुर रोहिला का मैनेजर महीफ शाह था। क्या कह रहे हो? मैं चौक सा गया। पूछ कर देखना, उसे मुकर जाए तो बेशक मुझे बुला लेना। आगे क्या किया उसने मालूम नहीं, तब तो कोई ऐसी बात तो थी नहीं जिसके मैं पीछे पड़ता, लिहाजा मैं वहाँ से चलता बना। बाइक कौन सी थी? बजाज पल्स 220 CC ब्लैक कलर की, नंबर मुझे ध्यान नहीं है। और कुछ नहीं, बस इतना ही बताना था तुम्हें। ठीक है, शुक्रिया। वहाँ से बाहर निकल कर मैंने चौहान का फ़ोन लगाया। कहाँ हूँ? कहीं तू अपने बोल। मंदिरा के फ्लैट के आसपास कहीं मिलो मुझे, फुल वर्दी में। क्या समझे? समझ गया, आधे घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, इंतज़ार मत करवाना। तो जानता है इस सड़क पर खुले में घूमना मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। नहीं, यूँ तो मैं पकड़ा गया तो तू भी खामखा लपेटे में आ जाएगा। मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक आधे घंटे। ठीक है, मगर सावधान रहना, वहाँ तुम्हारे महकमे का कोई आदमी हो सकता है जो तुम्हें जाना पहचानता होगा। उंगली पकड़कर चलना मत सिखा यार, वो झुंझला कर बोला और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आखिर पुलिस वाला था, एक भी इतनी जल्दी स्वभाव से कैसे गायब हो सकती थी? यही वजह थी कि वो मुझसे यूँ पेश आ रहा था जैसे वहाँ पहुँचकर मुझ पर कोई एहसान कर रहा हो। बहरहाल मैं 20 मिनट बाद ही उस इलाके में जा खड़ा हुआ और मंदिरा चावला के फ्लैट से थोड़ा पहले कार साइड में लगा कर खड़ी कर दी। कार से बाहर निकलने की मैंने कोई कोशिश नहीं की, वक्त गुजारे के लिए मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और आसपास के माहौल का जायजा लेने लगा। कम से कम उस घड़ी वहाँ किसी पुलिस वाले के दर्शन मुझे नहीं हुए। मैंने जिस अहम काम को अंजाम देना चाहता था उसमें गैरकानूनी जैसा कुछ नहीं था। पुलिस की चिंता मुझे सिर्फ चौहान की वजह से थी, जिसकी वहाँ मौजूदगी उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती थी। ठीक 10 मिनट बाद पैसेंजर साइड का दरवाज़ा खोलकर वो मेरे बगल में आ बैठा। करना क्या है? मैंने बताया। उसने एक लंबी हुंकार भरी, फिर बोला, दुकान से खिड़की की दूरी बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि CCTV फुटेज में कुछ साफ साफ दिखाई देगा। हो सकता है ना दिखाई दे, मगर वहाँ हमें कोई ना कोई बात दिखाई दे सकती है जिसकी तरफ इस वक्त हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है, चल। जवाब में मैंने कार आगे बढ़ा दी। यूँ जब हम मंदिरा के फ्लैट के बाहर से गुजरे
तो वहाँ मंडराते रजनीश अग्रवाल की सूरत एक झलक मुझे दिखाई दी। देखकर मैं हैरान रह गया, ये कौन है? चौहान की मुँह से निकला जवाब में। तब मैंने उसे रजनीश अग्रवाल और उसकी पिता की मौत की बाबत बताया। वो हैरानी से मेरी शक्ल देखने लगा। ये मकतूला के फ्लैट के बाहर क्या कर रहा था? क्या पता, तू गाड़ी वापस घुमा, मैं थामता हूँ इस छोकरे को। थामना तो उसे पड़ेगा ही, मगर इस वक्त ज़्यादा जरूरी तो वो काम है जिसके लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। वो खामोश रह गए। अगले तिराहे से ही टर्न लेकर मैं 610 स्टोर के सामने पहुँचा। फिर हम दोनों कार से निकल कर स्टोर में दाखिल हो गए। अब आगे की भागदौड़ चौहान ने संभाल ली। वो काउंटर पर बैठे लड़के के पास पहुंचा। नाम बोलो अपना, सुनकर लड़का तनिक हड़बड़ाया। क्या हो गया सर? कुछ नहीं, रूटीन इंक्वायरी, कहकर उसने एक अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी और पेन निकाल लिया। जी सरताज आलम, कब से काम कर रहे हो यहाँ? करीब एक साल से। सामने वाले फ्लैट में आज एक लड़की की हत्या कर दी गई, मालूम है? जी मालूम है। क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ नहीं जानता साहब, मुझे तो पुलिस के वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चला कि वहाँ कोई वारदात हो गई है। कोई संदिग्ध एक्टिविटी देखी हो? नहीं साहब, आप देख ही रहे हैं, हमारे स्टोर से उस बंगले का सामने का पोर्शन दिखाई नहीं देता। गली तो दिखाई देती है। जी हाँ, वहाँ कुछ ऐसा देखा हो जो तुम्हें अजीब लगा हो? नहीं देखा साहब। ठीक है, मुझे पिछले 3 घंटों की CCTV फुटेज दिखाओ। इतना तो कर ही सकते हो? जी कर सकता हूँ, कहकर उसने अपने सामने मौजूद LED का फेस हमारी तरफ कर दिया और रिकॉर्डिंग को पीछे ले जाकर प्ले कर दिया। मैं क्योंकि 4 बजे रंजना से मिलने पहुँचा था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग को थोड़ा और आगे ले जाकर 4:15 से प्ले कर दिया। इसके बाद हम दोनों सांस रोके CCTV फुटेज पर निगाह टिकाए रहे। फुटेज कुछ खास क्लियर नहीं थी, खास तौर से गोली के भीतर का दृश्य तो एकदम धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उस वक्त रिकॉर्डिंग 4:03 का समय दिखा रही थी, जब अचानक ही एक बाइक गली के मुहाने पर जा खड़ी हुई। मोटरसाइकिल सवार ने नीचे उतरने के बाद भी हेलमेट उतारने की कोई कोशिश नहीं की। वैसे अगर वो हेलमेट उतार भी देता तो इस फुटेज में उसे पहचान पाना आसान काम नहीं होता। यहाँ तक कि जूम करने के बाद भी हम उसकी मोटरसाइकिल का नंबर तक नहीं देख पाते। मोटरसाइकिल से उतरकर वो गली में दाखिल हो गया। उसने व्हाइट कलर का क्रीम कलर की शर्ट पहन रखी थी। ये वैसे ही शर्ट थी जैसा आज मैंने गायकवाड़ को पहने देखा था जब वो रजनीश अग्रवाल से मिलने गया था। कदकाठी की गायकवाड़ से मिलती जुलती ही थी। अलबत्ता रिकॉर्डिंग क्लियर ना होने के कारण ये बात मैं तो ठीक ढंग से नहीं कह सकता था। उस घड़ी पहली बार मैंने गायकवाड़ का तबस्सुर कातिल के रूप में किया। पहली बार मैं ये सोचने को मजबूर हुआ कि कहीं सब किया धरा गायकवाड़ का तो नहीं। मगर कैसे संभव था कि मुंबई में बैठे बैठे अपनी बीवी और मंदिरा को मौत के घाट उतार देता? कहीं उसकी दुबई से आमद में कोई झोल तो नहीं था? कैसे हो सकता है ये? बहरहाल बाइक से उतरकर वो गली में काफ़ी भीतर तक गया, उतना ही जितनी दूरी पर वो खिड़की थी जहाँ से गोली चलाई गई थी। फिर यूँ लगा जैसे उसने खिड़की पर किसी ठोस चीज़ से वार किया हो। यकीनन उसने खिड़की का कांच तोड़ा था। फिर हमें उसके हाथों में थमी रिवॉल्वर का एहसास हुआ, जिसके लगभग तुरंत बाद वो तेज कदमों से अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा और अगले ही पल मोटरसाइकिल ये जा वो जा चली गई। आगे की रिकॉर्डिंग में कोई खास बात नहीं दिखाई थी तो हमने रिवर्स करके फुटेज को फिर और फिर देखा। इसके बाद स्टोर से हम बाहर निकल आए। मैं अपनी कार फौरन उस इलाके से निकाल ले गया और MD रोड पर पहुंचकर इग्रू ओर जाने वाले रास्ते पर तनिक आगे जाकर कार रोकी।
और फिर चौहान से मुखातिब हुआ। क्या कहते हो, कोई घंटी बजी दिमाग में? ना, मुझे नहीं लगता कि कभी मेरा पाला उस शख्स से पड़ा है, वरना बावजूद पुअर रिकॉर्डिंग क्वालिटी के उसके कद काठी से तो कोई अंदाजा लगा ही लेता। अब मैं तुम्हें एक नाम बताता हूँ, विचार करना। ठीक है, मनोज गायकवाड़। गोखले, तेरा दिमाग तो नहीं हिल गया है? या तो तू ये कबूल कर कि सुनीता मंदिरा का कातिल और अंकुर रंजना का कातिल दो हुआ व्यक्ति है, वरना गायकवाड़ का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। दुर्गंध में बैठा कोई शख्स दिल्ली में भला किसी वारदात को अंजाम कैसे दे सकते थे? भाई की दुबे में बैठकर मुंबई से फरार करवा देना चाहता हो? तेरा मतलब है उसने शुरुआती दिनों हत्याएं किसी और से करवाई हो सकती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो फिर बाकी के कत्ल उसने खुद क्यों किए? और फिर ये मत भूल कि यू अगर उसने किसी के जरिए कत्ल करवाए होते तो उसकी गिनती सुनीता गायकवाड़ के कत्ल से आगे नहीं बढ़ती, जबकि पहला कत्ल मंदिरा का हुआ था, ना कि सुनीता का। वो ठीक आ रहा था, यूँ तो कत्ल का ये सिलसिला आगे बढ़ता ही नहीं चाहिए था। क्या मुसीबत थी मामला सुलझने की बजाय पर्दत पर उलझता ही चला जा रहा था? रजनी सग्रवाल के बारे में क्या जानते हो? क्या फुटेज में दिखाई दे रहा व्यक्ति क्या सचमुच वही रजनीश अग्रवाल हो सकता है? भाई, उस छोकरे की मैंने अभी बस एक ही झलक देखी थी, मगर मोटे तौर पर गायकवाड़ और रजनीश की कदकाठी तकरीबन एक जैसी है। लिहाजा अगर वो गायकवाड़ को सकता है तो रजनीश भी हो सकता है, और कोई काला चोर भी हो सकता है। देखो तो कमबख्त को इतना बड़ा स्टोर खोल कर बैठे हैं, और सीसीटीवी ऐसा लग रहा है जो 150 मीटर की पिक्चर भी सही ढंग से नहीं ले सकती। उसके झुंझलाहट पर मेरी हंसी छूट गई। मैंने कोई जोक मारा क्या? उसमें से कम भी क्या था? जब काम नहीं होना होता है तो यू सौ अडंगे आते हैं, वरना तो आज ये केस सॉल्व हो ही गया था। ठीक आता है तू, मेरी किस्मत ही खराब है इस साल। वैसे इस सीसीटीवी फुटे से एक बड़ा फायदा तो तुम्हें होगा ही। वो क्या? तुम्हारा डिपार्टमेंट रूम से कम रंजना के कत्ल के लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। गलत सोच रहा है तू, उल्टा होगा ये कि सीसीटीवी के फुटेज देखने से पहले ही उनके दिमाग में बतौर कातिल मेरा नाम अक्स होगा। लिहाजा उसमें दिखाई दे रहा कातिलों ने मुझसे मिलना जुलना ही चाहेगा। ऊपर से कातिल की हाइट देख मुझे नहीं लगता कि वो मेरे से छोटा या बड़ा होगा। मैंने सुना है कुछ ऐसी तकनीक भी होती है जिसके जरिए इस तरह की पुअर क्वालिटी वाली वीडियो को देखते देखते पहचान लायक बना दिया जाता है। मैंने सुना है कि कुछ ऐसी तकनीक भी होती है जिसके जरिए इस तरह की पुअर क्वालिटी वाली वीडियो को देखने पहचाने लायक बना दिया जाता है। होती है, मगर उसमें कोई चमत्कार नहीं हो जाता, बस 19-20 या बड़ी हद 18-20 का अंतर पैदा किया जा सकता है, जिसे मौजूदा वीडियो में हत्यारा पहचाना जा सकेगा। इसकी मुझे कतई कोई उम्मीद नहीं है, लिहाजा इतनी मशक्कत बेकार गई? नहीं, पूरी तरह बेकार तो नहीं गई। अब कम से कम हमें कातिल के कदकाठी का कोई अंदाजा तो हो ही गया है, वो तो पहले से ही था, तो समझ ले अब गारंटी हो गई है। गोखले, तो उस लड़के को क्या नाम बताया था? हाँ, रजनीश अग्रवाल। उसको टटोल, जब से तूने उसके बाप की मौत वाली बात बताई है मुझे कुछ खटकने से लगा है। वो काम अकेले मेरे बस का नहीं है। दोबारा मैंने उसके पीछे पड़ने की कोशिश की तो कोई बड़ी बात नहीं, क्यों मुझे अपने घर में ही ना घुसने दे? फिर कैसे बात बनेगी? तुम्हें साथ चलना पड़ेगा। चल, कहाँ?
उसके घर और कहाँ, क्या पता वो अभी घर ना पहुँचा। देखने में क्या हर्ज है, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है, वो तू अपने पास रख संभाल कर, अभी उसके घर चल। हम दोनों देवली मोड़ रजनीश के घर पहुँचे, पता चला वो घर पर नहीं था। अफ, वेट एंड वॉच, इस साला कभी तो लौटेगा। तुम तो एकदम फौजदारी के मूड में जान पड़ते हो। और क्या करूँ, जान सांसत में जो फंसी हुई है। जवाब में मैंने कुछ क्षण के लिए खामोशी अख्तियार कर ली। एक बात कहूँ, चार का रोका किसने है, इसकी क्या गारंटी कि गायकवाड़ सुनीता के कत्ल के बाद ही दुबई से वापिस लौटा था। गारंटी है क्योंकि पुलिस ने उसके मोबाइल पर नहीं बल्कि उसके दफ्तर की लैंडलाइन पर उससे बात की थी। और यूँ किया गया फ़ोन सीधा गायकवाड़ ने ही रिसीव किया था। नहीं, तुझे खूब पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ हो सकता। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, कॉल जरूर बोर्ड पर गई होगी जहाँ से ऑपरेटर ने वो कॉल आगे गायकवाड़ को ट्रांसफ़र कर दी होगी, जिसके बारे में पुलिस ने ज़रूर दरियाफ्त किया होगा कि यू ट्रांसफ़र की गई कॉल उसके दफ्तर के इंटरकॉम पर ही की गई थी, ना कि उसके मोबाइल पर। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए पहले बुझाने के बजाय साफ सा बता कि कहना क्या चाहता है। सुनो और समझने की कोशिश करो, आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई है कि किसी की कॉल को होल्ड कराकर किसी दूसरे के मोबाइल पर नंबर पर ट्रांसफ़र कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो तुम भी मानोगे ही। मान लिया, आगे बढ़। फर्ज करो गायकवाड़ अपनी बीवी की हत्या वाले रोज या उससे एक रोज पहले दुबई से दिल्ली पहुँच चुका था। पीठ पीछे वो अपने ऑफिस के ऑपरेटर से ऐसी सेटिंग करके आया था कि अगर उसकी कोई कॉल आए तो उसे सीधा उसके मोबाइल पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। या क्या पता उसके ऑफिस में ऐसा कोई सिस्टम हो कि यूआई किसी कॉल को सीधा वांछित व्यक्ति के मोबाइल पर ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता हो। ऐसे में जब पुलिस ने उसे कॉल किया तो ऑपरेटर ने वो कॉल सीधा उसके मोबाइल पर ट्रांसफ़र कर दी। अब पुलिस ने की नॉलेज में तो उसने वो कॉल दुबई के अपने ऑफिस में रिसीव की थी, जबकि हकीकतन उसने कॉल दिल्ली में खड़े होकर रिसीव की थी। ऐसे में तुम्हारे महकमे को भला असलियत कैसे पता चल सकती थी, वो भी उस सूरत में जब बतौर कातिल तुम पहले से उनकी मुट्ठी में कैद थे। मेरी बात सुनकर वो भौचक्का सा मेरी शक्ल देखने लगा। क्या हुआ, तुझे मालूम है तू कितनी फसादी बात कह रहा है। ओ वही सही, मगर तू हुआ तो हो सकता है ऐसा, अगर ऐसा हुआ होगा तो उसका पता तो अभी भी चल सकता है। माँ जो उसका पासपोर्ट देकर ये जाना जा सकता है कि उसने दुबई से दिल्ली की पासपोर्ट कब पकड़ी थी। हम इस बाबत सीधा उसे सवाल कर सकते हैं, उसे पासपोर्ट दिखाने की मांग कर सकते हैं। और मान लो अगर वो इनकार कर दे तो क्या, वो अपने आप में शक उपजाऊ बात होगी। फिर कान को घुमा कर पकड़ेंगे एयरपोर्ट से, पता करेंगे कि वो दुबई से कब लौटा था। आखिर फ्लाइट्स खासतौर से इंटरनेशनल फ्लाइट का सारा डाटा महफूज रखा जाता है। तुम ऐसी कोई पड़ताल करवा सकते हो, मेरी मौजूदा स्थिति को देखते हुए तो मुश्किल लगता है। फिर भी उम्मीद है कि किसी न किसी के जरिए मैं वांछित जानकारी हासिल कर लूँगा, लेकिन वो सब वक्त खाऊ काम होगा। पहले हम गायकवाड़ को ही ट्राई करते हैं, क्या पता वो पासपोर्ट दिखाई दे और उसे ये साबित हो जाए कि कत्ल वाले दिन मुंबई में ही था। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, मगर फर्ज करो अगर वो गुनहगार है तो क्या फौरन समझ नहीं जाएगा कि हम किस फिराक में थे। फिर वो यूँ गायब होगा कि हमें ढूंढे नहीं मिलेगा, फिर क्या करें हम। तुम अपने ढंग से कोशिश करते रहो, मैं खान साहब को इस बाबत विश्वास में लेने की कोशिश करता हूँ। अगर वो मान गए तो गायकवाड़ की मजबूरी होगी कि वो अपना पासपोर्ट पेश करे, तब उसका टाल मटोल वाला रवैया नहीं चलने वाला। इस मामले में SHO साहब तुम्हारी नहीं सुनने वाले, फिर जरा सोच के देख गोखले, अगर तेरी बात झूठी पड़ गई तो तेरी कितनी किरकिरी होगी, कितना भाव देते हैं वो और SP साहब तुझे। ऐसा होने की सूरत में कल को तुझे थाने से कोई मदद हासिल नहीं होने वाली, ना मैं तुझे ऐसी सलाह नहीं देने वाला। तुम उसकी टेंशन छोड़ो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा जिससे अगर गायकवाड़ पाक साफ साबित भी हो जाए तो मुझ पर कोई हर्फ नहीं आए। वो पहुँच रहा है। क्या, रजनीश अपने घर के सामने पहुँच गया। चल, वो अपने साइड का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला, थोड़ा ठहरो, वो बेहद जल्दबाजी में लग रहा है, क्या पता उल्टे पाँव वो वापिस लौटे। ना लौटा तो क्या, मिलना तो हमें उससे है ही। उसने सहमति में
सिर हिला दिया। अगले 10 मिनट यूं ही गुजर गए। मुझे तो अब वो बाहर आता नहीं दिखता। ठीक है चलो, हम दोनों कार से निकलकर सड़क पार करने लगे। यूं अभी हम बीच में ही थे कि तभी एक बैग कंधे पर टांगे जगदीश रजनीश सीढ़ियों के दरवाजे से बाहर निकला। इसी दौरान सीधी उसकी निगाह सड़क पार कर रहे हम दोनों पर एक साथ पड़ी। जवाब उसने एक बड़ी ही अप्रत्याशित हरकत की। वो बैग फेंककर तेजी से एमबी रोड की विपरीत दिशा में भाग खड़ा हुआ। एकदम से मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया था, मगर तब तक चौहान ने उसके पीछे दौड़ लगा दी थी। गोखले कार लेकर आ, जल्दी कर, वो दौड़ता हुआ चिल्ला कर बोला। एकदम से मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया था, मगर तब तक चौहान ने उसके पीछे दौड़ लगा दी थी। गोखले कार लेकर आ, जल्दी कर, वो दौड़ता हुआ चिल्ला कर बोला। चौहान की तेज आवाज सुनकर मेरी तंद्रा भंग हुई। मैं फौरन कार की ओर लपका। कार का मुंह उसी दिशा में था, इसलिए मुझे उनके करीब पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। करीब 200 मीटर दौड़ पाया था रजनीश, जब अचानक चौहान ने चीते की तरह छलांग लगाकर उसे काबू में कर लिया। रजनीश ने उसके चंगुल से निकलने के लिए हाथ पांव चलाए तो चौहान ने कसकर एक थप्पड़ उसकी कनपट्टी पर जड़ दिया। उसके बाद रजनीश अग्रवाल यूं शांत पड़ गया जिसे उसमें विरोध करने की शक्ति ही अब ना बची हो। मैंने उन दोनों के बगल में कार रोकी तो चौहान ने उसे पिछली सीट पर धकेला और खुद भी उसके साथ सवार हो गया, और उसके बाद तत्काल मैंने कार आगे बढ़ा दी। आदरणीय श्रोता, तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की 5वीं एपिसोड, स्टोरी विथ अरुण, पर अभी आप लोग सुन रहे थे सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री नॉवेल कत्ल की साजिश। आज इस उपन्यास की आप लोग 5वीं एपिसोड सुन रहे थे। आपको बता दूं इस उपन्यास की आगे की कथानक इसके 6ठे एपिसोड में आप लोग सुन सकेंगे, जिसे लेकर आऊँगा मैं अरुण गिरी कल की श्रृंखला में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाज़त। नमस्कार।